कीजिए आप एक नया टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड है क्या, इसको समझिएगा। मान लीजिए अभी तक हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमें ये मान था एनोड अलग है कैथोड अलग है, यस और नो? केवल एक एनोड को या केवल एक कैथोड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। एक सेल में कितने पार्ट होते हैं? दो इलेक्ट्रोड, जिसमें एक एनोड और एक कैथोड और एक सॉल्ट ब्रिज, तीन तरह से मिलकर ये हमारे पास एक सेल बनता है। हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोड की खास बात क्या होती है? इलेक्ट्रोड या तो एनोड होता है या कैथोड होता है। एनोड होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और अगर कैथोड हो रहा है तो उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो खैर कुछ भी हो, हम इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और इलेक्ट्रोड की डेफिनेशंस क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द हाफ पार्ट ऑफ सेल इन विच हाफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये हाफ रेडॉक्स रिएक्शंस अकर। फॉर एग्जाम्पल, हम एनोड का क्लासिफिकेशन करते हैं एक सॉरी इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन करते हैं या तो एनोड या फिर कैथोड। एनोड और कैथोड क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शंस। कोई भी ऑक्सीडेशन होता है तो इस तरह से रिएक्शन होती है, मेटल मेटल प्लस टू में कन्वर्ट होता है और दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और रिडक्शन होता है तो क्या होता है? मेटल प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेता है और मेटल में चेंज होता है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन हम अलग तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमने मेटल नहीं लिया, गैस लिया, तो हम इस इलेक्ट्रोड को गैस आयन इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। मेटल लिया तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। इसी तरह से अगर दोनों अगर आयन लिए तो आयन आयन इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो यही हमारे क्लासिफिकेशन है। तो एक और तरह का हमारा क्लासिफिकेशन है जो हमें करना है। तो वो क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट मेटल एंड मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इन दिस इलेक्ट्रोड, लिखते जाए मेरे साथ, इन दिस इलेक्ट्रोड या इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स। अब रेडॉक्स में दोनों ही हो सकता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस टेक प्लेस इन बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन। मेटल एंड मेटल आयन यानी अगर एनोड है तो ये मेटल यूज होगा, और कैथोड है तो भी मेटल यूज होगा। ये सॉल्ट ब्रिज का काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रोलाइट है। यहां एम एम प्लस टू में चेंज हो रहा है और यहां एम प्लस टू एम में चेंज हो रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? या फिर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे एम से एम प्लस टू।
इसको बोलोगे ई रिडक्शन पोटेंशियल, या आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ई एम प्लस टू से एम में चेंज। दोनों इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये क्या है आपके पास कैथोड। ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये मेटल प्लेट पूरी तरह से डिप्ड है उसी के आयन में। हम जिस मेटल को लिया जाएगा उसी का आयन लेंगे, अलग से कोई आयन नहीं लेंगे, ठीक है ना। जैसे जिंक है तो जिंक प्लस टू, कॉपर है तो कॉपर प्लस टू, निकल है तो निकल प्लस टू, कैडमियम है तो कैडमियम प्लस टू। इस तरह से हम आयन का सिलेक्शन करेंगे। लिखें इसको, तो हमने एक तरह का इलेक्ट्रोड कर लिया है मेटल मेटल आयन, दूसरा तरह का यानी गैस गैस आयन। गैस तो होता ही है लेकिन गैस का आयन आयन नहीं होता, वो क्या होता है आयन तो हमेशा एक्वस ही होता है। गैस एंड आयन इलेक्ट्रोड, तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस इलेक्ट्रोड, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस टेक प्लेस इन बिटवीन, मेरे साथ ही लिखेंगे, इन बिटवीन गैस एंड आयन ऑफ इट। यानी हमें गैस लेना है और गैस का आयन लेना है, ये आपके पास। अब गैस को तो कैसे फिलअप करोगे, इस तरह से एक ट्यूब के बीच में रखेंगे आप, और यहां पर आप क्या रखोगे, प्लेटिनम वायर जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ये आपका करंट फ्लो हुआ, ये सॉल्ट ब्रिज का आधा पार्ट, गैस इसके अंदर आ सके इसलिए ये यहां पर गैस के लिए खाली जगह रखी जाएगी, एंटर हो सके, गैस यहां से एंटर होगी, इस तरह से भरी हुई दिखाई दे, और एक तरह से कोई भी गैस जैसे H2 किस में चेंज हो रही है, ट्वाइस H प्लस में, तो ये एक एनोड का काम करेगा, या Cl माइनस Cl2 में चेंज होगी, ये भी एनोड का काम करेगा, क्योंकि सब जगह ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एनोड को बनाएंगे वो। तो ये तो हम समझते हैं इस पूरे डायग्राम में कि ऑक्सीडेशन एनोड को बताता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लिबरेट भी होते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि गैस गैस आयन किस तरह से वर्क करता है, समझ में आ रहा है। लेकिन हम गैस गैस आयन को भी उसकी गैस के नेचर के आधार पे फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, H2 इलेक्ट्रोड Cl2 इलेक्ट्रोड, आ रही है बात समझ में, H2 इलेक्ट्रोड एंड Cl2 इलेक्ट्रोड। तो दोनों, बस गैस चेंज हुआ, नाम चेंज हो गया। तो यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं आपके पास कि पहला ये गैस होना चाहिए, ये तो आयन हो गई, यहां पर ये जो चीज ये वायर आता है ये प्लेटिनम वायर होना चाहिए। ऐसा इसलिए ले रहा हूं प्लेटिनम वायर क्योंकि हाईली एसिडिक मेटल है, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है और प्लेटिनम इनर्ट है, या तो आप प्लेटिनम ले लो या फिर गोल्ड ले लो। तो यहां पर ये जाली क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत महंगा मेटल है, तो आप चाहते हो कि कम मेटल में ज्यादा सरफेस एरिया क्रिएट हो सके, तो इसको एक तरह से जाली की तरह बनाया जा रहा है। और कुछ पूछना है आपको, जहां मेटल की जहां एसिड में नहीं डूबा है वहां आप क्या यूज करोगे, कॉपर यूज कर लो, जिससे आपका काम सस्ते में चल जाएगा। यहां प्रेशर भी अप्लाई होगा क्योंकि हमारा प्रेशर भी एक्टिव मास का काम करता है, और यहां पर इसके लिए कंसंट्रेशन हमारे पास काम करती है, आ रही है बात समझ में। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर जब मेटल भी लिखना पड़ेगा प्लेटिनम फिर H2 फिर प्लस, कोई डाउट नहीं है, H प्लस बैलेंस नहीं है, यहां हाफ H2 होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम इसका कॉफिशियंट नहीं लिखते, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट, आ रही है बात समझ में। तो छोटी छोटी बातें हमारे को समझ आनी है। अब यहां पर आता है कि अगर स्टैंडर्ड ले लिया जाए, हर चीज 1 m ले ली जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पर नॉट लगा देंगे, 1 का मतलब प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 m। तो इसीलिए मैं एक और बात कर रहा हूं यहां पर, ये चीज क्लियर है आपके लिए,
कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और उसके अंदर हम एक और वर्ड डाल देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बता रहा है इसको समझिए आप। पहली बात, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। दूसरी बात, हर चीज स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, 1 एटीएम प्रेशर, 1 एम कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, तब जाके ये स्टैंडर्ड होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को? देखिए, ये एक तरह से क्या है, पहला पॉइंट जो आप यूज कर रहे हो, इट इज ए गैस एंड इट्स आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा पॉइंट, ऑल कंडीशंस आर, ऑल कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट जो हमारे को लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इट असाइन जीरो। तो इस जगह हमारे पास ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दोनों हमारे पास जीरो होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के माइनस होते हैं, लेकिन जीरो का माइनस जीरो भी जीरो ही होता है। तो चलिए, ये तीन पॉइंट है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी आपको वो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। ये आपके पास एक YouTube कंटेनर है, जिसके अंदर आपने क्या भर दिया है, एसिड भर दिया है, एसिड आपने HCl लिया है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है, जिससे H प्लस भी क्या रहे, 1 m रहे। अब इसके अंदर गैस भरी हुई है, कौन सी गैस है, H2 गैस, कितना है, 1 atm प्रेशर के साथ। नेक्स्ट, ये आपके पास प्लेटिनम प्लेट है, और ये आपके पास कॉपर वायर की कॉइल है। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज है, लेकिन वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमारा काम बहुत आसानी से चल गया है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर आपने ये 1 m ले लिया, और ये 1 m ले लिया, ये 1 atm ले लिया है, ठीक है, और टेम्परेचर आपने 298 केल्विन ले लिया है, तो यहां जो भी होगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। ये नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को बताता है, समझ में आ रहा है। हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए था, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगा हर जगह। तो एक और पॉइंट, अबाउ इलेक्ट्रोड या गिवन इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो ये एक तरह से रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगा किसी के लिए भी बताने के लिए। भाई सिंपल सा है कि मुझसे किसी ने पूछा कि आपके यहाँ कोई पालतू जानवर है, मैंने कहा हाँ मेरे यहाँ पर, सपोज कोई भी मैंने पालतू जानवर है, मैंने कहा मेरे यहाँ पर डॉग है, उन्होंने कहा कितना ऊंचा है, मैंने कहा ये बड़ा डॉग है इतना ऊंचा, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा नहीं, मैंने कहा बहुत छोटा है, रेफरेंस पॉइंट तो दिया ही नहीं, यानी बहुत छोटा था, लेकिन लेकिन फील क्या आती है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ये सोचती है इतना ऊंचा है, यानी कि जमीन से वो देखती है, क्योंकि उसने रेफरेंस पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या मान रखा है, अर्थ को ले रखा है। अब मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, ये तो अलग से दिखेगा, लेकिन हाइड्रोजन के केस में आपको इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसी को लेना है। तो किसी का भी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.65 है, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन के कंपेयर में प्लस है, और माइनस है तो इसका मतलब वो माइनस है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के कंपेयर में कम देता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा अलग से, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज। देखिए, हाइड्रोजन एक न्यूट्रल पॉइंट है, H2 से H प्लस बनना एक न्यूट्रल पॉइंट है,
न्यूट्रल पॉइंट आपने ये बना दिया। कोई मेटल है जिसका नाम एक्स है और वो एक्स प्लस में चेंज हो रहा है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और एक दूसरा इलेक्ट्रोड है जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो यहां ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका? नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट बना रखा है, न्यूट्रल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। जिसका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास कितना है? जीरो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है। तो ये आपके पास बहुत इजी वे में आ रहा है कि मेटल के बारे में। मेटल जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और हाइड्रोजन क्या है? एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी। ये एच प्लस भी बनाता है, एच माइनस भी बनाता है, लेकिन हम भी अभी बात कर रहे हैं एच प्लस की, कोई डाउट नहीं है। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या ज्यादा रिएक्टिव है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और जो कम है उनका नेगेटिव होगा। तो ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोड है जो ज्यादा है? जनरली मैक्सिमम इलेक्ट्रोड इससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे लिथियम का फर्स्ट ग्रुप पूरा, फर्स्ट ए सेकेंड ए मेटल यही आते हैं, इसके अलावा जिंक बहुत सारे वो सब इधर ही आएंगे, एल्यूमिनियम वगैरह। इससे कम कौन से आते हैं वो याद रख लेना, इससे कम जो रिएक्टिव होते हैं ये इससे कम रिएक्टिव होते हैं। प्लेटिनम और गोल्ड तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, तो यहां आपको एक आइडिया लगाना है कौन इससे कम है कौन इससे ज्यादा है, बहुत आसानी से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये आपके पास रहा एक तरह से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। मैंने ये देखा कि मुझे दोनों में से एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, कि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल जाए, तो मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कौन ज्यादा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। और मुझे पता है सबसे ज्यादा किसका मिल रहा है? यहाँ पर लिथियम का, लिथियम मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन एक्वस मीडियम लिथियम है। ये जो टॉपिक है कि कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा, ये अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है इस इलेक्ट्रोड के कि यहां पर जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा बस। और इनका इवन इनका तो नेगेटिव है, और जितना बड़ी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी उतना ही कम वो रिएक्टिव होगा। ये तो रहा हमारे लिए हाइड्रोजन के लिए, कोई डाउट नहीं है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि जब मैं ध्यान से सुनना, यही कारण है कि जब मैं इस जगह HCl गैस को प्लेटिनम या गोल्ड में रखता हूं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, लेकिन ये मेटल आराम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेजी से आयन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आयन बनाने की कोशिश करते हैं तो जो H प्लस एसिड का उसको क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे H2 में। भाई इनका ऑक्सीडेशन होना तय है तो किसी का तो रिडक्शन हो, तो जो बचा H प्लस कंटेनर में वही H2 बन के निकल जाएगा। तो ये सारे वो मेटल हैं जो एसिड के साथ मिलके H2 गैस देते हैं। अब ये और बात है कि कोई ज्यादा जल्दी देता है कोई थोड़ा धीरे करता है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड के मेटल तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हुए दे देते हैं। इवन सोडियम मैग्नीशियम तो ऐसे एलिमेंट है, सोडियम पोटेशियम रूबीडियम खास तौर पे, जो तो H प्लस के लिए एसिड का भी इंतजार नहीं करते, पानी के साथ ही स्वाहा, ठीक है। तो ये तो चीज हमारे पास रही बहुत अच्छी। अब दोस्तों सीएल के साथ ये मेटल क्यों रिएक्ट करेंगे बेटा?
नहीं। तो यहां हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स आ गए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, गैस गैस आयन हमारा हो चुका है। और इसका बेनिफिट ये रहा कि हमें एसिड की साथ उनकी रिएक्टिविटी पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन एक्वस, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक्वस में काम करता है, यानी रिएक्टिविटी भी आपको एक्वस में ही पता चलेगी। सॉलिड स्टेट में लिथियम से ज्यादा सीजियम एक्टिव है, लिथियम से ज्यादा सीजियम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्वस में, एक्वस में लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज अगर हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम के पास नहीं होती तो सीजियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता। तो यानी हम जो भी ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, ये सब उनके एक्वस आयन के लिए निकालेंगे, न कि गैसेस आयन के लिए। वैसे भी गैसेस आयन एग्जिस्ट नहीं करता। एक्वस आयन में लिथियम की पोजीशन टॉप में आती है। पोटेशियम, पोटेशियम ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बड़ी सीरीज है। देखो, हम जब बात करें इलेक्ट्रोड की, तो एक और इलेक्ट्रोड है जिसको हमें पढ़ना होता है, और वो है मेटल, मेटल एंड मेटल इनसॉल्युबल या स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसको अलग ही तरह से डिजाइन किया गया है। देखो, यहां हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में नीचे की तरफ हमने मेटल रख दिया। ये मेटल कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मरकरी रख दिया। मरकरी अपने आप में कैसा है? लिक्विड। फिर उसके बाद अलग लेयर ली, जिसमें मैंने वो ले लिया, क्या कहते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जैसे इसका है Hg2Cl2, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मैंने एक और आयनिक लिया है, और ये मैंने इस Cl के साथ आयन लिया है, तो यहाँ Cl माइनस, ऑब्वियसली Cl माइनस के लिए मैं क्या ले लूंगा, NaCl, यानी Hg जो कि लिक्विड है, फिर Hg2Cl2 जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और फिर उस जो आयन है उसी का एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें वो आयन बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ सके। ये सब एक दूसरे से सेपरेट रहती है, इसके लिए यहाँ पर सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स भी है आपके पास। हाँ, सबके बीच में, जिससे आयन की जरूरत हो तभी आ सके। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए मेटल भी चाहिए, सॉलिड मेटल, और बाय डिफॉल्ट हम किसको यूज करते थे, प्लेटिनम को। और ये वायर है, ये प्लेटिनम जो मेटल है, ये प्लेटिनम मेटल इस तरह से। यहाँ ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। अगर ये एनोड होता है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट, और यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, सिंपल सा है। या फिर ई नोट, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है उस रिएक्शन को देखते हैं। एनोड है तो पहले रिएक्शन लिखो, रिएक्शन क्या होगी, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, मरकरी का। मरकरी के क्या करता है यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन निकाल के इस तरह से ये एनोड हो गया पक्का। ये तो रिएक्शन हुई आधी जो दिख रही है। अभी इसके साथ एक और सीएल माइनस, इनका कोई काम नहीं है, ये कंटेनर में रखे हुए हैं, ऊपर से आते हैं, समझ में आ रहा है? तो बचे हुए Hg2+2 इन आयन्स की वजह से एक पीपीटी बनाते हैं, Hg2Cl2, ये पीपीटी हो गया। तो नेट रिएक्शन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सीएल का, नहीं, एजी का, हाँ। तो ये जब रिएक्शन आएगी, नेट रिएक्शन, तो पता है कैसे लिखी जाएगी, ट्वाइस एजी, ये चीज क्रॉस हो जाएगी इस तरफ से, प्लस टू सीएल माइनस Hg2Cl2, बस खत्म, और प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगी। तो बताओ एक्चुअल में ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, एजी का। सीएल का क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बिना सीएल माइनस की क्या Hg2Cl2 बनता,
नहीं बनता। ये सी एल माइनस कहां से मिलेगा? ऊपर वाले सॉल NaCl से, इससे ये Cl प्रोवाइड करेगा, और बीच में धीरे धीरे ये PPT क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये NaCl देगा उसको, NaCl दो क्या, 10 मांगो 10 देगा, 1000 मांगो देगा, वो तो देता रहेगा, और Na प्लस ऊपर रह जाएगा। अब Na प्लस अकेला रहेगा नहीं, उसको कौन दे देगा सप्लाई, सॉल्ट बीच, ठीक है। उस Cl की जगह हो सकता है ऊपर से क्या आ जाएगा, KNO3 भर रखा है तो NO3 आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट रहा सॉल्ट ब्रिज के साथ। और अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या ये केवल ऑक्सीडेशन है? हाँ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर ई नॉट पूरा तरीके से लिख लो, ऑक्सीडेशन हुआ है Hg Cl, ऐसे चलेगा Hg मरकरी है, फिर कौन आ रहा है Hg2Cl2, और फिर NaCl की जगह Cl माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर चाहो तो प्लेटिनम वायर भी लिख दो, ठीक है, उसका भी तो यूज किया है आपने, तो लिख लो ये प्लेटिनम वायर है या प्लेटिनम रोड है, तो ये आपने शो कर दिया। तो बच्चों इसमें कोई बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, अगर इसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना पड़ा तो, जो कि बहुत बच्चों वाला काम है। ई नॉट, ये तो ई नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला है, माइनस 0.06 अपॉन एन फैक्टर कितना है इसमें 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो प्रोडक्ट तो यहां पर कोई दिख नहीं रहा है, Hg2Cl2 स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसकी कंसंट्रेशन नॉट डिफाइंड, डिवाइडेड बाय Cl माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Cl माइनस का स्क्वायर, कोई डाउट? अच्छा एक सेकंड के लिए, अगर मेरे से कोई पूछता है जो बहुत आसानी से भी मैं बोल सकता हूं, यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको, आ रही है बात समझ में? तो यहां जो, ठीक है, ये जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। Cl माइनस की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से ई नोट देख सकते हो आप, बाकी कोई ऐसा खास कोई पॉइंट नहीं है, लिखो इसको। देखो बच्चों ये एक तरह से इलेक्ट्रोड हो गया, और स्पेशली हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये एक तरह से केस स्टडी हो गया हमारा, किसका, एक तरह से मरकरी मेटल लिया है, इसको कैलोमल ने लिया बनाया था, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन बाय कैलोमल इलेक्ट्रोड, लेकिन सिर्फ मरकरी की केस में, अगर सिल्वर ले लेंगे तो फिर कैलोमल नहीं कहेंगे, वो फिर किसी और साइंटिस्ट ने बनाया, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है। ये हुआ एनोड, और अगर आपसे कैथोड पूछा जाए तो अब आप कैसे करेंगे कैथोड के लिए, जस्ट पूरी चीजें क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी आप क्या कर रहे हैं यहां पर, एक तरह से देखा जाए तो HgCl2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर ट्वाइस Hg+2Cl- में, यानी एक तरह से देखा जाए तो Hg+ किस में चेंज हो रहा है, Hg में रिडक्शन हो रहा है। Cl माइनस का क्या हुआ, पहले भी Cl माइनस है अब भी Cl माइनस है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो हर चीज इस तरह से चेंजेस हो गई है, तो ये रिडक्शन, यानी कि ये किसको बताएगा, कैथोड को, रिडक्शन प्रोसेस को या फिर कैथोड को। तो जब आपके पास रिएक्शन है तो आराम से लिख सकते हैं इस जगह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस जगह रिडक्शन हो रहा है तो Hg2Cl2 इस तरह से चेंजेस हो रहा है, ये बिल्कुल उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, प्लेटिनम क्या लिखना पड़ेगा, प्लेटिनम फिर उसके बाद Cl माइनस फिर Hg2Cl2 और लास्ट में Hg इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्लेटिनम Cl माइनस Hg2Cl2 Hg माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इस जगह Cl माइनस प्रोडक्ट की तरफ है, Cl माइनस का स्क्वायर, कर सकते हैं आराम से।
तो एक और इलेक्ट्रोड हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है आयन आयन इलेक्ट्रोड, आयन आयन इलेक्ट्रोड, या फिर हम इसको बोलेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसमें हम जनरली दोनों स्पीशीज, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऐसे समझे दोनों आयन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सॉल्यूशन ले लिया है, इसमें Fe+2 भी है और Fe+3 भी है, +2 भी है और +3 भी है, और ये मेटल प्लेट ले ली। किसकी लूंगा मैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, ये कॉपर वायर, ये सॉल्ट ब्रिज, इस तरह से बना दिया। क्योंकि मैंने एनोड बनाया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको क्या लिखूंगा, ई नॉट। ऑक्सीडेशन किसका होगा? फेरस का। किसमें चेंज होगा? फेरिक का। -0.0, बस इसको ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो हमारे लिए एक तरह से रिएक्शन क्या होगी, Fe+2 किसमें चेंज होगा? Fe+3 में, अगर ये एनोड है तो। और कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? एक। और अगर ये कैथोड है, ये तो एनोड के लिए रिएक्शन हो गई, और अगर ये कैथोड है तो क्या हो जाएगा? कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए? Fe+3 किस में चेंज हो जाएगा? Fe+2 में, बस खत्म। यानी रिएक्शन क्या होगी, Fe+3 कन्वर्ट इन Fe+2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो ये हमारे पास नेट केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। कुल मिला के हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए, और रेडॉक्स रिएक्शन चाहिए वही एक इलेक्ट्रोड का काम कर जाती है बस। अब जिस जिस तरह से आप क्लासिफाइड कर सकते हो वो करते चले जाओ, नए नए इलेक्ट्रोड दिखेंगे आपको।